इंडिया 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल में। जी हाँ, दंगल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भले ही उनके हिसाब से पद दे दिया गया हो, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वहीं उप मुख्यमंत्री का ओहदे पर काबिज हैं सचिन पायलट। अब कैबिनेट का भी हाल ही में गठन हो गया, शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। शपथ ग्रहण में एक बड़ी खास बात सामने आई, बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक मंत्रियों को जिन मंत्रियों को उनका विभाग नहीं मिला और जिन विभागों पर सबसे ज्यादा पशुपेश की स्थिति फंसी हुई है, वो विभाग हैं वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, जो कि राज्य के होते हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट की राय थोड़ी जुदा है, अशोक गहलोत की राय थोड़ी जुदा है। जिन नेताओं पर वो हामी भर रहे हैं उस पर सचिन राजी नहीं है, जिन पे पायलट हामी भर रहे हैं उस पर गहलोत राजी नहीं है। अब ऐसे में बीच का रास्ता कौन निकालेगा? निकालेंगे पंच, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, क्योंकि आज से पहले शायद पार्टी आला कमान ने कभी किसी राज्य के कैबिनेट में, जहां जहां कांग्रेस सरकार बनी है वहां पे कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी दखलअंदाजी नहीं की, क्योंकि सीएम अपने आप में एक सुप्रीम होता है। सीएम चुन लिया, बाकी आप चुनते रहिए। लेकिन इस बार ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान के इतिहास में अगर देखा जाए तो, अगर रिपोर्ट की माने तो, राहुल गांधी को इस बार दखलअंदाजी करनी पड़ी, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी धुनी रमा रहे थे तो सचिन पायलट अपनी बात कर रहे थे। तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकला कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों की सुनी, लेकिन फिर दोनों को सुन के एवरेज में फैसला ले लिया। अब ऐसे में ये है कि जिन मंत्रियों को शपथ तो दिला दी, क्योंकि 23 मंत्रियों ने शपथ ली है, 18 तो गहलोत खेमे के ही कही जा रहे हैं, बाकी जो बचे वो सचिन पायलट के खेमे के हैं। तो ऐसे में जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आ रहा है और राहुल गांधी के ऊपर कहीं ना कहीं दारोमदार और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, राहुल गांधी कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में मसला ये भी हो रहा है कि 7 विधायक जब मुसलमान जीते तो सिर्फ एक मुस्लिम विधायक कोई मंत्री क्यों बनाया, ये भी बड़ी बात आ रही है। जाहिदा खान का नाम सामने आता तो उनको उनसे रुसवाई क्यों कर ली कांग्रेस ने। बहुत से अनगिनत सवाल खड़े हो रहे हैं कैबिनेट गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद। चलिए, अब शपथ ग्रहण की बात आ रही है तो आपको बता दो कि शपथ ग्रहण में शायद इस बार राजस्थान का इतिहास कहीं ना कहीं पलटा है। किस तरह पलटा है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सचिन पायलट से पहले सूबे में राजस्थान में 4 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन आज तक कभी भी जब शपथ ग्रहण समारोह होता था, इससे पहले की बात, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो कभी भी डिप्टी सीएम के लिए कुर्सी नहीं लगाई गई। ये बात आपने नोटिस की होगी, लेकिन इस बार ये नोटिस क्या होगा आपने कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस वक्त बीच में कल्याण सिंह बैठे थे, जो कि राज्यपाल हैं राजस्थान के, उनके ठीक बगल में बैठे थे अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और उनके लेफ्ट, यानी कि उनके और बीच में कल्याण सिंह थे, एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट बैठे हुए थे। यानी कि सवाल अपने आप में उठता है कि वाकई अब सचिन पायलट का कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ता जा रहा है, और सचिन पायलट ने भी ताकत दिखा दी है कि उनको कम आंकने की गलती कतई ना करें, क्योंकि सचिन पायलट भले ही परिपक्व कम हो अशोक गहलोत की अपेक्षा, इसकी अपनी वाजिब वजह है, क्योंकि जाहिर सी बात है 60 साल का अनुभव और 40 साल का अनुभव बहुत अंतर होता है। अशोक गहलोत, जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत पार्टी के लिए काम किया, उनको भी दरकिनार करना पार्टी के लिए मुसीबतें ही लेकर आता, उनके अपने पक्ष थे और उन्हीं पक्षों के चलते राहुल गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद नवाज दिया। अब ऐसे में सचिन पायलट ने 5 सालों से जो कांग्रेस को सींचा, उसका भी तो उन्हें एक भुगतान किया गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अगर संविधान का मैंने जिक्र किया था कि संविधान में उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई व्याख्या नहीं की गई है और सिर्फ सुप्रीम होता है मुख्यमंत्री। अब ऐसे में अशोक गहलोत ने, जो इससे पहले 2 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे, शासनकाल बहुत आसान था उनके लिए, क्योंकि उस वक्त उनके लिए इतना हस्तक्षेप करने वाले नेता नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था उनके सामने जो उनकी नाक के नीचे बैठा हो। लेकिन इस बार यह है कि सचिन पायलट उनकी नाक के नीचे बैठे हैं, उनको हर चीज़ में, हर फैसले में उनकी राय शुमारी लेनी पड़ेगी। खुद राहुल गांधी ने जब कैबिनेट पे मुहर लगाई राजस्थान में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि प्रशासनिक फेरबदल से लेकर जितने भी बड़े बड़े फैसले होंगे, मंत्रियों के मंत्रालय बदले जाएंगे, कोई भी बड़ा फैसला होगा, वो सारे फैसलों में अशोक गहलोत सचिन पायलट की राय शुमारी लेंगे और सचिन पायलट को दरकिनार नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि मैं सुप्रीम हूँ, तो शायद इस सुप्रीम, अगर ये वो सुप्रीम मानते उससे पहले ही राहुल गांधी ने की सोच पर विराम लगा दिया। वैसे अशोक गहलोत बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत ही राजनीति के मजंदर नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें उनसे बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि सचिन पायलट को भी कम आंकना मुश्किल भरा साबित हो सकता था कांग्रेस के लिए, इसलिए उन्होंने उनके हिसाब से दोनों को कहीं ना कहीं बराबरी पे सम्मान दे दिया। लेकिन जो सवाल एक और शपथ ग्रहण में एक और बात सामने आई वो मैं आपको बताती हूँ। शपथ ग्रहण में जब 11 मंत्री शपथ ले चुके थे तो
उस वक्त मीडिया में खबरें नहीं बनी, लेकिन जब 12वें मंत्री आए यानी कि प्रताप सिंह खचारिया वास, जो कि सचिन पायलट के करीबी कहे जाते हैं, जब वो आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रताप सिंह ने पहले शपथ ली, फिर वो सचिन पायलट के पास गए, उन्होंने मुलाकात की और अशोक गहलोत उनको 10 सेकेंड तक मुस्कुराते हुए देखे गए, कैमरे में कैप्चर हुए हुए वो, क्योंकि प्रताप सिंह जो है सचिन पायलट के करीबी हैं और ऐसे में बाकी जो 11 मंत्री थे वो किसके करीबी हैं, गहलोत के, तो ऐसे में वो सचिन पायलट के पास नहीं गए लेकिन प्रताप सिंह गए क्योंकि वो सचिन पायलट के चहेते नेता हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत को शायद वो चुटकी वाला अंदाज लिया होगा कि 11 ना सही कम से कम प्रताप सिंह ही सही। खैर अशोक गहलोत क्या ही कहें उनके बारे में, लेकिन कुल मिलाकर भले ही सचिन पायलट मीडिया के सामने कुछ भी ना बोलते हों, कुछ भी ना कहते हों, लेकिन हाँ दोनों के बीच कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अभी भी तल्खियां हैं और तल्खियों की वजह से ही तो अभी तक मंत्री बना शपथ ग्रहण हो गया लेकिन अभी तक मंत्री मंत्रालय नहीं मिला, किसी को विभाग नहीं बांटा गया, तो जाहिर सी बात है कि बन नहीं पा रही है दोनों के बीच ट्यूनिंग। अब ऐसे में एक और खबर सामने आई है कि मंत्रिमंडल में सीएम अशोक गहलोत को 3 ऐसे नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा है जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो, और इनमें से 2 को तो उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में मंत्री पद से बर्खास्त भी कर दिया था, मगर सचिन पायलट ने इतना प्रेशर दिया कि इन नेताओं की मंत्रिमंडल में फिर से वापसी हुई कांग्रेस सरकार में। अब राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर सीएम और राज्यपाल के अलावा उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी लगाई गई, जिसकी मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया है, और पायलट से पहले 4 उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन इनमें से किसी की भी कुर्सी मंच पर नहीं लगी थी। इससे ही साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है गहलोत जो सोच रहे हैं वो उस सोच पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है, और सचिन पायलट को पता है कि वो इतने राजनीतिक मजंदर नेता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदर्शन एवरेज ही किया लेकिन उसके पीछे बचा तो सचिन पायलट ही रहे हैं, और इसी वजह से शायद उनका ही नाम सबसे पहले रेस में चल रहा था कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाए, लेकिन हाँ अशोक गहलोत को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, एक सम्मान होता है, सम्मान रखा गया है, उनके कार्यों का सम्मान रखा गया है, उनकी वो करीबी हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी के, उसका भी सम्मान रखा गया है, और राजस्थान से बाहर उन्होंने गुजरात से लेकर कर्नाटक कई राज्यों में कांग्रेस के लिए नीतियां बनाई हैं तो उसका भी सम्मान रखा गया है, कुल मिलाकर उनको के हिसाब से सम्मान दिया गया है, लेकिन सचिन पायलट को भी दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन हाँ जो उनका पद है वो है डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम है तो जाहिर सी बात है कि वो डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में मुश्किलात तो आएंगी लेकिन एक कहीं ना कहीं ताकत का एहसास तो करा दिया है कि भले ही जिन 3 नेताओं को पसंद नहीं कर रहे थे अशोक गहलोत, उनको भी मंत्रिमंडल में उन्होंने आखिरकार मंत्री पद दिलवा ही दिया, इससे बड़ी ताकत का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है सचिन पायलट की। और जिस तरह से सचिन पायलट ने अपना रसूख दिखाया है, हालांकि वो मीडिया के सामने कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं लेकिन हाँ अंदर खेमे में ये जरूर बातें आ रही हैं सामने कि सचिन पायलट जो हैं वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देंगे और ऐसे ही किसी की बात को नहीं मान लेंगे, भले ही कैबिनेट में खाली उनके 5 चहेतों को जो है एंट्री मिली है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर साफ सीधी बात यह है कि अशोक गहलोत अगर चाहते हैं कि वो पूरी सत्ता का जो केंद्रीकरण है अपनी तरफ रखें तो वो शायद मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि अभी तक शायद वो सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री ही सुप्रीम होता है, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई हैं, सचिन पायलट की ताकत का अंदाज़ा लगाया गया है, उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब सत्ता में 2 केंद्रीकरण हो रहे हैं, 2 यानी कि एक है केंद्रीकरण अशोक गहलोत की तरफ और दूसरा है सचिन पायलट की तरफ। और सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अगर ट्यूनिंग नहीं बनी, क्योंकि कैबिनेट में ही जब इतनी बड़ी रसाकशी देखी जा रही है तो सवाल ये उठता है कि आखिर आगे जाकर क्या होगा, जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, जब मंत्रियों को उनका मंत्री पद नहीं मिला, जब उनका मंत्रालय नहीं मिला और शपथ ग्रहण पहले ही करा दिया गया, और कैबिनेट का गठन होने में भी बहुत टाइम लगा राजस्थान में, ये सबसे बड़ी बात है, हालांकि राहुल गांधी को इसमें भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दखलअंदाजी करनी पड़ी क्योंकि दोनों ही नेता अपनी अपनी बातें कह रहे थे, तो ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी अपनी बात कर रहे थे, अब ऐसे तो आने वाले समय में और भी बातें निकल सकती हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, और जिस तरह से अभी जो मंत्री हैं उनको उनको मंत्रालय नहीं मिला है, फाइनेंस
और होम मिनिस्ट्री, इन दोनों को लेकर राज्य में जो है पसोपेश की स्थिति है। कौन बनेगा, कौन बैठेगा इस पर, ये बड़ी बात है। अभी जो बाकी जो वहाँ पे विधायक हैं, जिनके जिनके समर्थकों ने नारेबाजी की, जिन्होंने खुलकर ये कहा कि हमारे विधायक को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, 5 मंत्री पद अभी खाली पड़े हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्या 5 मंत्री पद का, क्योंकि अभी सचिन पायलट ने इशारों इशारों में संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है तो फिर क्या होगा, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में जो 5 पद खाली पड़े हैं उस पर क्या मुस्लिमों को मंत्री बनाया जाएगा, जो मुस्लिम विधायक हैं, या फिर कोई अलग नाम सोचा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने, या फिर कुछ इसके पीछे राहुल गांधी की अलग सोच है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा एक ड्रामा ही कहा जाएगा, ड्रामा ही चल रहा है राजस्थान में। और लेकिन हाँ, शपथ ग्रहण में जिस तरह से सचिन पायलट का रसूख देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये बात तो मालूम पड़ गई है कि भले ही वो सचिन पायलट को अपने सामने एक बच्चा ही मान रहे होंगे, राजनीति में जाहिर सी बात है मानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तजुर्बेकार नेता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, वो जिसे वो भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी कम आंकना उनके लिए भारी पड़ सकता है। और भले ही अशोक गहलोत अपनी नाराजगी खुलेआम दिखा देते हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं दिखाते, उनकी महानता हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी घर की लड़ाई में कहीं पड़ोसी जो हैं मलाई ना मार जाएं, इसीलिए वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, हम क्यों मीडिया के सामने सब चीज़ों को दिखाएं। लेकिन हाँ, अंदरूनी खेमे से बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उसमें किन किन चेहरों को जगह दी जाती है। लेकिन हाँ, साफ सीधी बात है कि सचिन पायलट से अब अशोक गहलोत को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं सचिन पायलट हर तरीके से, चाहे प्रशासनिक फैसले हों, चाहे कोई भी बड़े बड़े फैसले हों, हर तरीके से अब टक्कर देंगे सचिन पायलट अशोक गहलोत को। तो दर्शकों, आज राजस्थान दंगल में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।